सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो पबजी मोबाइल में इरेंगल मैप होता है उसमें जो मिलिट्री बेस होता है उस वहाँ पर जो बीच में वो होता है क्या कहते हैं ब्रिज, जिसकी मदद से हम मिलिट्री बेस जाते हैं। तो उस मिलिट्री बेस के दोनों तरफ ये जो आप देख सकते हैं रेलिंग बनी है, एक तरह से जो पुल होता है पुल के दोनों तरफ जो बना होता है सिक्योरिटी के लिए, इसमें हम कैसे चढ़ सकते हैं आज मैं यही बात आपको बताने वाला हूँ। और इसका फ़ायदा भी मैं आपको बता दूँ, सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होगा कि आप ऊपर चढ़ के अगर मारेंगे एनिमीज को तो उनको पता नहीं चलेगा कि कौन मार रहा है कहाँ से, और आपको ऊंचाई भी मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा मारने के लिए एनिमीज को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पुल, तो इसमें चढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो चढ़ने में। तो आपको सबसे पहले साइड देख लेनी है कौन सी साइड सही रहेगी चढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे आप ये देख सकते हैं हर जगह बना है चढ़ने लायक, देखने में लग रहा है चढ़ जाएंगे कहीं से भी चढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हर एक जगह से नहीं चढ़ सकते, आपको देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा वो है नीचा है। आप ध्यान से देखेंगे तो कोई कोई यहाँ पे जो बने हैं इस तरह के, तो कोई कोई बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं मतलब एकदम खड़े खड़े हैं, और कोई कोई क्या कहते हैं थोड़े वैसे हैं ढलान टाइप के हैं। तो जो ज़्यादा ढलान टाइप के हैं उनमें उनकी मदद से आप चढ़ेंगे तो आसानी से चढ़ जाएंगे। तो मैं आपको चढ़ के दिखाऊँगा, तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर चढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सावधानी से चढ़ना है, आप नीचे गिर भी सकते हैं पानी में और लाइफ काफ़ी ज़्यादा जा सकती है आपकी। ये आप देख सकते हैं जैसे जंप कर दी, साधारण जैसे जंप करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ ये कम ऊँची है, मतलब क्या कहते हैं ज़्यादा ऊँची नहीं है जितनी ऊंची होनी चाहिए, मतलब इसकी ये इसमें ज़्यादा ढलान नहीं है। अब ये आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा ढलान है, ये जो पीछे निकल गई, किसी किसी में कम ढलान होती है किसी किसी में ज़्यादा ढलान होती है, तो हमें ज़्यादा ढलान वाला देखना है। तो अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, तो आपको बस ये देखना है कौन सा ज़्यादा ढलान वाला है। ये आप देख सकते हैं ज़्यादा ढलान वाला है, मतलब एकदम खड़ी दीवार नहीं है इसमें, एकदम खड़े ये नहीं लगे हैं लोहे के, तो इसमें हम अब ऊपर को जाएंगे तो आसानी से जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको बस ये देखना है मैं कौन से कंट्रोल्स यूज़ कर रहा हूँ, आसानी से आप चढ़ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैं यहाँ पे चढ़ गया हूँ, और यहाँ से स्नाइपिंग करना कितना आसान है, और ये देखिए मेरा एक टीम मेट कितनी ऊपर चढ़ा है, तो मैं आपको वहाँ भी ऊपर भी चढ़ के दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप ऊपर चढ़ सकते हैं और ज़्यादा। तो ये है बीच का, और इसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, तो आपको बस देखना है मैं कौन से कंट्रोल्स यूज़ कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है समझना है जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो। तो ढलान वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको वाला खंभा देखना है जिसमें ज़्यादा ढलान हो, मतलब जो एकदम खड़ा ना हो, क्योंकि जो एकदम खड़ा वाला खंभा होगा उसमें अगर आप चढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं चढ़ पाएंगे, जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा हो। और जो ये आप देख सकते हैं ज़्यादा ढलान वाला है, तो इसमें हम कितनी आसानी से चढ़ गए हैं। तो अब मैं अपने टीम में से बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी मेरे लिए जगह कर दे, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर चला जाऊँ और फिर मैं आपको दिखा दूँ अच्छे से किस तरह से नज़ारा दिखता है और किस तरह से आप स्नाइपिंग कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, और बहुत मज़ा आएगा यहाँ ऊपर। आप ब्रिज कैंपिंग करने का बेस्ट तरीका है ये, अगर आप इस तरह से ब्रिज कैंपिंग करते हैं तो, क्योंकि वैसे हम नीचे रहते हैं तो कोई गाड़ी से ठोक देता है प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन यहाँ ऊपर रहेंगे तो मज़ा आ जाएगा। बेस्ट तरीका है ये ब्रिज कैंपिंग का, मुझे तो सबसे अच्छा तरीका लगा। जब भी ब्रिज कैंपिंग करनी हो तो बिना किसी प्रॉब्लम के ऊपर चढ़ो, चार तरफ देखो और मार दो लोगों को। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसे साइड मांगी है जैसा कि आप देख सकते हैं, बस इतनी ऊपर चढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है, लगभग एक बहुत ऊंचे घर से भी ज़्यादा ही है शायद मेरे हिसाब से, या लगभग एक ऊंचे घर के बराबर होगी। तो अब यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और स्नाइपिंग करना भी काफ़ी आसान है यहाँ से। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था आप किस तरह से ब्रिज के जो दोनों तरफ होते हैं ये क्या कहते हैं खम्भे लगे होते हैं उसमें आप कैसे चढ़ सकते हो, कितनी आसानी से ब्रिज कैंपिंग कर सकते हैं, ब्रिज कैंपिंग का बहुत अच्छा मज़ा उठा सकते हैं आप ये तरीका यूज़ करेंगे तो, और ये ट्रिक काफ़ी अच्छी भी है, आपको अच्छी भी लगेगी। तो बस आपको एक बार ट्राई करना है किस तरह से चलना है, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बढ़िया अच्छे से बन जाएगा आपको चढ़ते। तो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं काफ़ी आसानी से इधर उधर जा पा रहा हूँ, मूव कर पा रहा हूँ, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि गलती से आप गिर ना जाएँ। कितनी आसानी है आप देख भी सकते हैं, यहाँ से एक मेरा टीम मेट आ रहा है नीचे गाड़ी लेके आ गया है,
तो अब उतरने का भी तरीका सेम वही, उसी तरह आप उतर सकते हैं जैसे आप चढ़े हैं, या फिर आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। तो जंप करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी हेल्थ फुल हो, अगर फुल नहीं होगी तो आप नॉक आउट हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने टीममेट के ऊपर फेंका स्टंट ग्रेनेड, यहाँ पे मैंने फेंका थोड़ा सा गैस वाला, स्टंट नहीं था सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से मूव कर पा रहा हूँ। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था आप किस तरह से पबजी मोबाइल में ब्रिज के ऊपर चढ़ सकते हैं, जैसा कि आपने देखा ब्रिज के दोनों तरफ जो बने होते हैं उसके ऊपर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं पबजी गेम के वीडियो जो बाकी गेम्स के और टेक से रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ।